सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य की पुस्तक से पाठ 8 दादाजी के लिए पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें अपनों से बड़े का सम्मान करना चाहिए, काम में उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा देखभाल और उनसे प्यार करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 8 दादा जी के लिए। बच्चों, इस पाठ में हम एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसके दादाजी के साथ काम करते समय एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है। उस बच्चे ने अपने दादाजी की कैसे मदद की, तो आइए बच्चों जानते हैं इस कहानी में। अशरफ मकरानी में रहता है। अशरफ के अबू और बड़े भाई मकरानी में की संगमरमर की खानों में काम करते हैं। संगमरमर सफ़ेद रंग का बड़ा सुंदर और चमकीला पत्थर होता है। अशरफ के दादाजी एक कारखाने में संगमरमर की मूर्तियां और खिलौने बनाते हैं। अशरफ स्कूल पढ़ने जाता है। जब कभी उसे समय मिलता है, वह खानों के तरफ निकल जाता है। जानते हैं बच्चों, ये जो अशरफ के अब्बू और बड़े भाई जो थे, वो सब संगमरमर के खानों में काम करते थे। और वहाँ पे अशरफ भी जब कभी भी उसे समय मिलता, वो अपने दादाजी के मदद के लिए खानों में चला जाता था। खानों के ऊपर मशीनें लगी रहती हैं। वह घिर घिर करती संगमरमर की चट्टानों के ऊपर खींचती है। फिर मशीन चट्टानों को गाड़ी में रख देती है। अशरफ भी गाड़ी में बैठकर कारखाने में पहुंच जाता है। कारखानों में मशीनें चट्टानों को टुकड़े में काटती हैं। कारीगर इस कटे हुए पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं। अब देखिए बच्चे, वहाँ क्या होता है। वहाँ होता है कि जो मशीन होता है, वो जो चट्टानों जो होती हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं और उसके बाद उसकी क्या बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं। शाम को अशरफ मकरानी के स्टेशन पर मूर्तियाँ और खिलौने बेचने चला जाता है। उसे जो पैसे मिलते हैं, उसे वो अपनी अम्मी को लाकर दे देता है। अम्मी उसे कुछ पैसे दे देती हैं जिसे वह गुल्लक में डाल देता है। ईद पर वह इन पैसों से एक हवाई जहाज खरीदेगा। एक दिन अशरफ कारखाने में अपने दादाजी के पास बैठा था। वह एक मूर्ति के लिए पत्थर काट रहे थे। तभी पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा छिटक कर उनकी आंखों में पड़ गया। दादाजी दर्द से घबरा उठे। अशरफ तुरंत भागकर अपने अब्बू को बुला लाया और वह दादाजी को अस्पताल ले गया। अब देखिए बच्चों, जब वो मूर्तियाँ बनती हैं तो शाम को अशरफ जो है उस खिलौने को बेचने के लिए जाता है और उससे उसे जो पैसे मिलता है, वो क्या करता है, वो अपनी अम्मी यानी कि मम्मी को दे देता है। और अम्मी जो रहती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ पैसे उसे भी दे देती हैं और उस पैसे को वह क्या करता है, एक छोटा सा गुल्लक खरीदता है और उसमें वह डालता है, क्योंकि वह चाहता है कि ईद पे हवाई जहाज खरीदेगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि पत्थर काटते समय अशरफ के दादाजी की आँख में एक छोटा सा टुकड़ा जो पत्थर का होता है वो चला जाता है। दादाजी कई दिन तक अस्पताल में रहे। अशरफ उनकी देखभाल करता रहा। जब उसकी आंखें ठीक हो गई, तब डॉक्टर ने कहा, बाबा, जब आप पत्थर काटा करें तब चश्मा अवश्य पहना करें। पर दादाजी ने चश्मा नहीं खरीदा। पूछने पे कहने लगे, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं चश्मा खरीद लूँगा।
अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जब दादाजी अस्पताल में 3-4 दिन तक रुकते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? अशरफ। और डॉक्टर उनसे कहता है कि आप चश्मा लगाकर पत्थर को काटा करिए, लेकिन दादाजी क्या करते हैं, चश्मा को नहीं खरीदते हैं। ठीक है बच्चों। अशरफ सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन में सोच कहा, मैं दादाजी के लिए चश्मा लाऊंगा। अब अशरफ क्या करता है, क्योंकि दादाजी के पास पैसे उतने नहीं थे इसलिए उन्होंने चश्मा नहीं खरीदा, लेकिन अशरफ जो है वो मन ही मन सोचता है कि मैं दादाजी के लिए चश्मा लाऊंगा। शाम को गाड़ी पर मूर्तियां बेचने जाने से पहले अशरफ ने अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे निकाल लिया। गाड़ी चले जाने के बाद वह एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से चश्मा दिखाने को कहा। अशरफ को एक चश्मा दादाजी के लिए बिल्कुल ठीक लगा। उसने दुकानदार से चश्मे का दाम पूछा और चश्मा लेकर दौड़ता दौड़ता घर पहुंचा। वह दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी आप अपनी आंखें बंद कीजिए, बताइए कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। दादाजी आंखें बंद करते हुए कहते रह गए, अरे बेटा दिखा तो सही क्या लाया है। अब देखिए बच्चों क्या होता है। अब अशरफ तो मन ही मन सोचता ही है कि मैं दादाजी के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। अब शाम को क्या, जब वो मूर्ति बेचने के लिए जाने लगता है, तब वो अपना गुल्लक तोड़कर पैसे ले जाता है और चश्मे की दुकान से एक चश्मा दादाजी के लिए लेकर आता है और दादाजी से बोलता है, दादाजी आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। दादाजी आंख बंद करते हुए क्या बोलते हैं, अरे बेटा दिखा तो सही क्या लाया है। अशरफ के दादाजी की आंखों पर चश्मा लगा दिया। दादाजी बहुत खुश हुए, उनकी आंखें भर आई। अशरफ को गले लगाकर उन्होंने उसे बहुत प्यार किया। अब देखिए जब अशरफ दादाजी के लिए चश्मा लाते हैं तो दादाजी बहुत खुश होते हैं। क्यों बच्चों, जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो जिसके लिए करते हैं वो कितना खुश होता है, उसी तरह अशरफ के दादाजी बहुत खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने क्या किया, अशरफ को गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद ईद आई, सब बच्चे अपनी ईदी मांगने लगे। दादाजी ने अशरफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम भी अपनी ईदी ले लो। दादाजी ने अशरफ के हाथ में हवाई जहाज वाला खिलौना रख दिया। अशरफ को खुशी का ठिकाना ना रहा, वह प्रशंसा से उछलता हुआ दादाजी के गले से लिपट गया। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिन के बाद ईद आता है। उसमें क्या होता है, ईदी मतलब अपने लिए जो गिफ्ट होता है ना, और बच्चे वो सभी बच्चों को दादाजी ने क्या किया, एक सुंदर सा तोहफा दिया सभी बच्चों को। उसी तरह अशरफ को भी अपने पास बुलाया और बोला, आप तुम भी अपना तोहफा ले लो। अब अशरफ क्या करता है, जब दादाजी के पास जाता है तो दादाजी अशरफ के हाथ में हवाई जहाज वाला खिलौना रख देते हैं। अब अशरफ जो है बहुत खुश होता है और उछलता हुआ दादाजी के गले से लिपट जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये पाठ जो है बच्चों यहीं पे समाप्त होता है और हमें अपने से बड़ों की हमेशा मदद करनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।